मैडम जी बोले, मुझे 30,000 एडवांस चाहिए था। किस चीज का एडवांस? मैडम वो मैंने बाइक लेनी थी, एक माह बाद कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है तो मैंने उसमें हिस्सा लिया। तुम्हारा दिमाग ठीक है? 30,000 पे एडवांस, वो भी मैं एक ऑफिस बॉय को दूंगी। मैडम प्लीज, मैं पुरानी बाइक से नहीं जीत पाऊंगा। अच्छा ठीक है, 2-3 दिन तक देखती हूँ मैं, अभी तुम जाओ, मुझे जरूरी काम है। मैडम ये बात, थैंक यू। मैडम वो आपने कहा था कि 2-3 दिन तक आके पैसे ले लेना। क्या मुसीबत है, दिमाग खराब करके रखा हुआ तुमने। ये लो। शुक्रिया मैडम। और हाँ याद रखना, नेक्स्ट मंथ सैलरी नहीं मिलेगी तुम्हें। मैडम ऐसा ना करें, थोड़े थोड़े करके काट लीजिएगा हर माह। मैंने यहाँ पे कोई बैंक नहीं खोला हुआ, लेने तो लो, नहीं तो यहाँ पे रख दो और जाओ यहाँ से। ठीक है मैडम, अगले माह सैलरी ना दीजिए। तुम्हारी नहीं है ना? नहीं मैम, ये बाइक मेरी नहीं है, ये तो मुझे किसी नेक इंसान ने लेके दी है। मतलब? बस यार वो बाइक चोरी हो गई थी तो। मतलब मेरी बाइक कुछ दिन पहले चोरी हो गई थी तो मेरे घर का जो निज़ाम है उसे डिलीवरी के काम की वजह से चलते हैं। मेरे पड़ोसी ने मुझे ये बाइक लेके दी है, वैसे तो वो मेरा पड़ोसी है लेकिन उस दिन जो उसने मेरे साथ किया है कोई अपना भी ऐसे नहीं करता। ठीक है मैम, मैं चलता हूँ। मैडम ये सब की फाइल। अच्छा बात सुनो। जी मैम। ये रख लो। तो ये पैसे? मैम कुछ दिन पहले मैं डिलीवरी बॉय से मिली जिसे तुमने अपनी बाइक दे दी थी। मुझे तब समझ में आया कि अगर तुम अपने ख्वाबों को छोड़कर किसी और की मदद कर सकते हो तो मैं तुम्हारी बॉस होने के नाते तुम्हें एक नई बाइक नहीं लेके दे सकती। मगर मैम परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे ये पैसे वापस नहीं चाहिए। और हाँ, तुम्हारी सैलरी में से पिछली बाइक के पैसे नहीं काटूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। अच्छा आप जाकर तैयारी करो, कंपटीशन भी तो जीतना है ना। जी मैम, थैंक यू।